बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई, शहर के दो कॉलोनाइजर के खिलाफ किया मामला दर्ज। शहर की बड़गांव पंचायत में अवैध तरीके से बगैर डायवर्शन और लाइसेंस के बिना 26 प्लाट काटकर बेचने के मामले में दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। एडिशनल एसपी के अनुसार कॉलोनाइजर अब्बास अली पिता अकबर व अंकित शर्मा के द्वारा बड़गांव पंचायत में बंधान रोड पर अवैध कॉलोनी काटकर 26 भूखंड बेच दिए गए, जहाँ कुछ लोगों के द्वारा मकान भी बना लिए गए हैं। लेकिन जब प्रशासन की जानकारी में मामला आया तो इनके खिलाफ केस पंजीबद्ध कर एसडीएम ने आज दोनों के खिलाफ पुलिस को एफआईआर के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आज कोतवाली थाने पर मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल विवेचना जारी है। दोनों नायर के खिलाफ एफआईआर हुई है सर, क्या मामला था? ये बड़गांव पंचायत है, वहाँ पर कुछ लोगों ने बिना डाइवर्सन कराए, बिना कॉलोनाइजर का परमिशन लिए और 26 प्लाट बेच दिए हैं, जहाँ कुछ लोगों ने मकान भी बना दिए हैं। जब प्रशासन के नज़र में बात आई तो जांच करा के और एसडीएम के आदेश से यहाँ जो है कार्रवाई की गई है कोतवाली। कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज है और कितने आरोपी? 420, 467, 468, 471 के तहत ये कार्रवाई हुई है और अभी दो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। अभी विवेचना में है प्रकरण और जैसे आगे विवेचना होगी वैसे और अगर आरोपी बनते हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कॉलोनी नाइजर के खिलाफ एफआईआर हुई है सर, क्या मामला था? एक अवैध कॉलोनी के बारे में शिकायत आया था, जिसका कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि बंधान रोड पर एक अवैध कॉलोनी का निर्माण कॉलोनाइजर अकबर अली अब्बासी और अंकित शर्मा, इनके द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 27-28 लोगों को प्लाट बेचे गए हैं। और जिस ज़मीन पर प्लाट बेच रहे हैं, अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे थे, उस ज़मीन का ना डाइवर्जन किया हुआ था, ना किसी प्रकार की विकास अनुमति ली गई थी। तो उसकी जांच की गई और जांच के बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।